गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रस। ठीक है, रस, रस का, रस की परिभाषा, रस के भेद। और ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे रस। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? निचोड़। ठीक है, निचोड़। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? निचोड़। ठीक है, काव्य के पढ़ने, देखने तथा सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है, कि हमें बहुत रस आ रहा है इस कविता में, हमें बहुत रस आ रहा है, तो रस ही वही रस, यानी कि जो हमें सुनने में आनंद आ रहा है, ठीक है, उस आनंद को ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, काव्य के पढ़ने, देखने, सुनने जो आनंद की प्राप्त अनुभूति होती है, ठीक है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ठीक है, उसे रस कहते हैं। रस के अवयव का अवयव या अंग, रस के अवयव या अंग, ठीक है, रस के कितने अवयव हैं? रस के आपके या अंग कितने हैं? चार। रस के चार अंग हैं, ठीक है, चार अवयव हैं। क्या? स्थाई भाव, ठीक है, स्थाई भाव, फिर आपके विभाव, ठीक है, अच्छा स्थाई भाव की, अच्छा ठीक है, इस विभाव मतलब कारण, ठीक है, फिर आपका अनुभव मतलब कार्य, ठीक है, फिर आपका संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ठीक है, व्यभिचारी भाव, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि स्थाई भाव किसे कहते हैं, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्या है। ठीक है, तो रस की समझ में आ गया होगा आपको, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? निचोड़। और काव्य को देखने सुनने तथा पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है, आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है, जो आनंद आता है उसमें पढ़ने सुनने में, उसी अनुभूति को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, रस के चार अवयव या अंग है, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहां पे नंबर फर्स्ट पे क्या था, जो हमारे रस के अवयव या अंग थे, सबसे पहले था विभाव। ठीक है, सबसे पहले विभाव, विभाव में क्या, विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या है? कारण। ठीक है, विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या है? कारण, अर्थात जब नायक आश्रय, यानी कि नायक यहां पर क्या है? आश्रय बोलेंगे इसको। ठीक है, और नायिका क्या है? विषय। ठीक है, अर्थात जब नायक के हृदय में किसी नायिका के प्रति, ठीक है, या नायिका को देखकर, ठीक है, भाव उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है वह विभाव कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। ठीक है, विभाव कहलाता है। ठीक है, विभाव कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, मतलब जो विभाव है आपका, यह कितने प्रकार होता है? आलंबन विभाव, ठीक है, और उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। फर्स्ट आपका आता है क्या? आलंबन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव स्थाई भाव के जागृत होने के कारण। ठीक है, यानी कि जिन कारणों से स्थाई भाव जागृत होता है, स्थाई भाव के जागृत होने के कारण को, ठीक है, यानी कि जिनसे स्थाई भाव जागृत होता है, जिन कारणों से, उसे क्या बोलते हैं? हम आलंबन विभाव बोलते हैं। ठीक है, और आलंबन विभाव के जो है कितने प्रकार है? दो। ठीक है, यह भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने? दो प्रकार का, आश्रय आलंबन, ठीक है, और विषय आलंबन। ठीक है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। ठीक है, जैसे जैसे सीता को देखकर राम के हृदय में प्रेम, ठीक है, प्रेम, ठीक है। अब यहां पर क्या है, देखिए यहां पर विषय क्या है? विषय यहां पे सीता, ठीक है, सीता क्या है? विषय, ठीक है, और यहां पर राम क्या है? आश्रय। ठीक है, यहां पर विषय क्या है?
विषय आपका सीता, ठीक है, और आश्रय क्या है, राम, ठीक है, दिखाई दे राम, ठीक है, चलो ठीक है। अब बात आती है आपके किसकी, यहां पर उद्दीपन की, ठीक है, उद्दीपन का। चलिए देखिए, आलम्बन को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, अब उद्दीपन देखिए। जिन परिस्थितियों के कारण, ठीक है, मन में भावना उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, वहां पर क्या होता है, उद्दीपन होता है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं कि नायिका, नायिका की जिन चेष्टा, चेष्टा, चेष्टाओं को देखकर, ठीक है, या बाहरी दिखावे को देखकर, चेष्टाओं को देखकर जो भाव, ठीक है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे उद्दीपन कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, उद्दीपन कहते हैं। जैसे उसके बाल, ठीक है, उसका पहनावा, ठीक है, ये सब क्या है, उनके कारण जो हमारे मन में जो है भाव उत्पन्न हुआ है वो क्या है, वही उद्दीपन है, ठीक है, वही क्या है, उद्दीपन है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहां पर, अब आपका अनुभव, ठीक है, अनुभव, विभाव हो गया आपका सेकंड नंबर पर, अनुभव मतलब अनुभव का अर्थ क्या है, कार्य, ठीक है, अनुभव का अर्थ है कार्य। नायक के भावों का ज्ञान कराना अनुभव कहलाता है, ठीक है, अनुभव कहलाता है। नायक के भावों का जो ज्ञान कराता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अनुभव कहते हैं, ठीक है। आश्रय मतलब नायक, ठीक है, नायक की चेष्टाएं, क्रियाएं, ठीक है, जो चेष्टा करता है, जो क्रियाएं करता है, प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, जिनसे पता चलता है, ठीक है, क्या पता लगता है, अनुभव का, वह क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है, ठीक है, अनुभव कहलाता है, ठीक है, जिनसे पता चलता है, क्रिया प्रतिक्रिया और चेष्टाओं से जो पता लगता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है। यह कितने प्रकार होता है, ये चार प्रकार का होता है। नंबर एक आंशिक यानी कि चलना, ठीक है, या चाल, ठीक है, चाल भी लिख सकते हैं, चाल, ठीक है, ठीक है, वाचिक बोलना, ठीक है, आहार्य वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा, वेशभूषा क्या है आपका, वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा। सात्विक, सात्विक देखिए, सात्विक जो है आपका यह आठ प्रकार का है, ठीक है, और सात्विक क्या है, सात्विक वह है जिन पर नायक का जो है यानी कि आश्रय का कोई, जिनका नायक का यानी कि आश्रय का कोई जो है कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता जिन पर, उसे सात्विक बोलते हैं, ठीक है, उसे सात्विक बोलते हैं। चाल, बोलना, वेशभूषा यानी कि आंशिक, वाचिक और आहार्य, ठीक है, और लास्ट क्या है, सात्विक। और सात्विक के भी आठ भेद है, ठीक है, और इसका अर्थ क्या है, जिस पर जो है नायक का यानी कि आश्रय का जो है कोई कंट्रोल ना हो, ठीक है, कोई कंट्रोल ना हो। अब हम क्या पढ़ेंगे, सात्विक पढ़ेंगे और इसके आठ भेद जो है वो, ठीक है, अनुभव के अंदर ही। चलिए देखिए यहां पर सात्विक मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, यानी कि सात्विक, सात्विक आठ प्रकार के होते हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। और इसका अर्थ क्या है सात्विक का, जिन भावों पर नायक का कोई वश नहीं चलता, ठीक है, ऐसे भाव जिन पर नायक का कोई कंट्रोल ना हो, ठीक है, कोई कंट्रोल ना हो, ठीक है, नायक के अपनी पहुंच से बाहर हो जाना, ठीक है, बाहर हो जाना। और ये कितने प्रकार का आपके हैं सात्विक, सात्विक जो विभाव, विभाव है ये कितने प्रकार का है आपका भाव, सात्विक भाव जो है ये आपका आठ प्रकार का। स्तंभ यानी कि, स्तंभ यानी कि नायक का खड़े के खड़े रह जाना, ठीक है, नायक का, नायक
का खड़े रह जाना, ठीक है, खड़े रह जाना यानी कि एकदम भौचक का हो जाना, मतलब या मतलब इसी तरह से खो जाना अपने आप में, ठीक है। स्वेद, स्वेद कहते हैं पसीना छूटना, पसीना छूटना, ठीक है, पसीना छूटना। नायक का खड़ा रह जाना स्तंभ, ठीक है, स्तंभ। और स्वेद जो है पसीना छूटना, स्वेद मतलब पसीना छूटना, ठीक है। स्वर भंग हो जाना यानी कि बोलना कुछ चाह रहा है और बोल दे कुछ, ठीक है, यानी कि अपने स्वरों पर ही कंट्रोल ना रहना, ठीक है, ठीक है, अपने स्वर यानी कि अपने शब्दों पर ही सही उच्चारण न करना, ठीक है। तो क्या है, सही शब्द का उच्चारण नहीं करना, ठीक है, या तो सही शब्द का उच्चारण ना करे या कुछ का कुछ बोले, ठीक है, यानी कि उसका खुद का जो है पता ही नहीं क्या बोल रहा हो, ठीक है। चलिए, वेवर्णे, वर्णे मतलब रंग से है, ठीक है, वेवर्णे हो जाना यानी कि चेहरे का रंग उड़ जाना, ठीक है, चेहरे का रंग उड़ जाना, ठीक है, चेहरे का रंग उड़ जाना मतलब चेहरा उतर जाना, फीका पड़ना, ठीक है। आंसू, आंसू निकलना, आंसू, ठीक है, आंसू निकलना, आंसू निकलना, ठीक है, आंसू निकलना। फिर आपका था कंपन यानी कि कांपना, ठीक है, कांपना। फिर आपका था रोमांच, ठीक है, क्या रोमांच मतलब रोंगटे खड़ा हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है। फिर आता आपका प्रलय मतलब बेहोश होना, बेहोश होना, ठीक है। ये इसके आठ प्रकार हुए, कौन कौन से, स्तंभ यानी कि खड़े के खड़े रह जाना, चलना तो चलते रहना, खो जाना मतलब अपने आप में, स्वेद मतलब पसीना छूटना, ठीक है, स्वर भंग होना यानी कि सही उच्चारण का, सही बोलना कुछ चाह रहा है बोल कुछ रहा है, ठीक है, या अपने ही शब्दों पर कंट्रोल ना रहना, ठीक है। वेवर्णय हो जाना यानी कि चेहरे का रंग उड़ जाना, ठीक है, चेहरे का रंग उड़ जाना या फीका पड़ना या पानी पड़ जाना, ठीक है, चेहरा उतर जाना। अश्रु मतलब आंसू निकलना, कंपन मतलब कांपना, ठीक है, रोमांच रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाना, प्रलय बेहोश होना, ठीक है। ये इसके आठ प्रकार हैं सात्विक, सात्विक के, ठीक है, सात्विक के। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, संचारी, संचारी। देखिए नंबर तीन पे आता संचारी भाव, ठीक है, नंबर तीन पे संचारी भाव, ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं व्यवचारी, ठीक है, संचारी भाव या व्यवचारी। देखिए मन में आने तथा जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं, ठीक है, संचारी भाव किसे कहते हैं, संचारी भाव मन में आने और जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। इसमें नोट लिख लेना एक, ठीक है, भरत मुनि ने, भरत मुनि ने जो आपके काव्य रस हैं, ठीक है, रसों की संख्या, रसों की संख्या आठ मानी है, ठीक है, कितनी मानी है, भरत मुनि ने रसों की संख्या आठ मानी है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाए तो कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है, तो आप आठ बताओगे, कितने आठ, ठीक है। और रस क्या है, रस को जो है काव्य की आत्मा, आत्मा, ठीक है, काव्य की आत्मा माना गया है रसों को, ठीक है। इसके बिना अलंकार भी बेकार है, ठीक है, मैंने बताया था कल आपके अलंकार की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रसों के बिना, ठीक है, काव्य बेकार है, ठीक है, और इसके बिना अगर रस ना हो काव्य में, ठीक है, तो इसको काव्य
काव्य ऐसे समझो, काव्य को ऐसे समझो जैसे एक शरीर, ठीक है, और शरीर में प्राण, ठीक है, शरीर में प्राण या आत्मा का होना बहुत जरूरी है, वरना जो अलंकार है यानी कि जो वेशभूषा है, जो हम आभूषण उसके ऊपर डाल दें तो वो बेकार है फिर, ठीक है। जैसे निष्प्राण शरीर में, निष्प्राण शरीर में आपके क्या, निष्प्राण शरीर में जो है उसको अलंकृत करना, उस पर आभूषण चढ़ा देना, जिस तरह वो बेकार है, ऐसे ही जो है रस के बिना, ठीक है, रस के बिना तो काव्य बेकार ही है, लेकिन अलंकार तो बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। जैसे निष्प्राण यानी कि मृत शरीर पर हम जो है आभूषण चढ़ाते हैं और उस पर वो बेकार होते हैं, उसी प्रकार आपके ये जो है अलंग, ये रस जो है, ये काव्य आपका वो बेकार है, ठीक है, रस के बिना। तो रस सबसे पहले, काव्य के अंदर रस है तो रस के, रस के ऊपर ही जो है आपका अलंकार अच्छा लगेगा, ठीक है, रस के साथ ही अलंकार अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपके स्थाई भाव, ठीक है, स्थाई भाव। देखिए स्थाई भाव, ठीक है, क्या है आपका स्थाई भाव, यहां पर जो एक भाव उत्पन्न होता है, स्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसे स्थाई भाव कहते हैं। और इसकी स्थाई भाव की संख्या कितना, ठीक है, स्थाई भावों की संख्या वह कितनी है, 9, ठीक है। और रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या वह आपकी 11, ठीक है, रसों की संख्या कितनी है, 11, ठीक है। और रस कितने हैं आपके, रस हैं आपके 11, ठीक है, रस कितने हैं, 11। सब इधर देखें, रस है और इधर इनके स्थाई भाव है, ठीक है, यानी कि कौन से रस में कौन सा स्थाई भाव उत्पन्न होता है। जैसे श्रृंगार रस, देखिए रस राज कहा जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाता है, और आया है ये पिछले आपके एग्जाम में, तो उसमें बोला था क्या गया था कि रस राज या रसों का राज राजा किसे कहा जाता है, ठीक है, आपका श्रृंगार रस है, ठीक है। इसमें संयोग और वियोग, ठीक है, संयोग यानी कि मिलन होना और वियोग मतलब दूर होना, ठीक है, बिछड़ना। रति ये भी प्रेम में है, ठीक है, और ये भी प्रेम में है, ठीक है, ये दोनों ही जो है प्रेम में उत्पन्न होते हैं, संयोग और वियोग, ठीक है। फिर आप आता हास्य, हास्य रस का जो स्थाई भाव है वो क्या है, हास है। करुण रस का जो स्थाई भाव आपका शोक है, ठीक है, शोक। देखिए हास्य जब हंसते हैं तो कौन सा, उस हंसने में जो रस आता है उसे क्या बोलते हैं, हास्य रस बोलते हैं या हास रस बोलते हैं। करुण रस, करुण करुणा होना, ठीक है, किसी के प्रति दुख, जब हम दुखी होते हैं तो वो करुण होता है, करुणा, ठीक है, करुणा उत्पन्न हो गई, तो वहीं पर क्या होता है, शोक उत्पन्न यानी कि दुख का महसूस होना। रोध रस यानी कि गुस्सा यानी कि क्रोध, क्रोध ही इसका रस होगा, ठीक है। वीर रस यानी कि वीर रस उत्साह का रस है, ठीक है, वीर रस उत्साह का रस है, ठीक है, ठीक है। जो भूषण की कविताएं हैं, भूषण एक लेखक है, उसके जो है उसकी कविता में क्या पाया जाता है, वीर रस पाया जाता है, ठीक है। फिर आपका भयानक रस, ठीक है, भयानक भय, तो भयानक रस से क्या, भयानक रस में क्या होगा, भय उत्पन्न होगा, ठीक है, भय उत्पन्न होगा, स्थाई भाव क्या उत्पन्न होगा, भय। विभत्स, विभत्स मतलब जुगुप्सा या जिसे घृणा उत्पन्न होती है, ठीक है, विभत्स मतलब जिससे घृणा उत्पन्न होती है, ठीक है, जिससे घृणा उत्पन्न होती है, ठीक है। ठीक है, देखिए भयानक रस जिससे भय उत्पन्न होता है, विभत्स रस जुगुप्सा या घृणा, ठीक है, घृणा, ठीक है, घृणा उत्पन्न होती है। अद्भुत रस, ठीक है, आश्चर्य, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, तो वहां पर कौन सा रस उत्पन्न होगा, स्थाई भाव उत्पन्न होगा आपका आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य होगा एकदम, ठीक है, अद्भुत, किसी अद्भुत चीज को देखकर हम बोलेंगे कितना आश्चर्य की बात है, ठीक है, यानी कि स्थाई भाव क्या, आश्चर्य, ठीक है। अच्छा ये तो है आपके किसके द्वारा, ये आठ रस जो है आपके
आठ रस भरत मुनि के द्वारा, ठीक है, भरत मुनि ने जो अपने काव्य शास्त्र में मतलब रसों का प्रयोग किया है वो आठ है, या उनसे आठ बताए हैं, ठीक है, भरत मुनि द्वारा, भरत मुनि द्वारा, ठीक है, आठ बताए गए, ठीक है, बाकी तीन रस और हैं, ठीक है, मैं ऊपर लिखवा देता हूं उनको। देखिए तीन रस और हैं, ठीक है, तीन रस और हैं आपके, सांत्रस, ठीक है, सांत्रस उद्भट ने इसको, सांत्रस को रस रसों में शामिल किया है, ठीक है, या बताया है उसने, ठीक है, और इसका जो स्थाई भाव क्या है, स्थाई भाव, ठीक है, या यहां पर इधर रस लिखते हैं, यहां पर स्थाई भाव, तो निर्वेद, निर्वेद मतलब वैराग्य, ठीक है, वैराग्य, इसमें वैराग्य उत्पन्न होता है, ठीक है, सांत्रस में। फिर आपका वात्सल्य रस, वात्सल्य रस को जो है विश्वनाथ ने बताया है, ठीक है, और इसका स्थाई भाव क्या है, रति, रति मतलब मां के, मां का प्रेम, मां का प्रेम, ठीक है, मां का प्रेम। फिर आपका भक्ति रस, भक्ति रस में जो है आपको रूप गोस्वामी ने दिया है इसको, और रति मतलब भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, ठीक है, और इसमें मां के प्रति प्रेम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये आपके 11 रस हो गए और स्थाई भाव 9 हो गए इसमें, ठीक है, 9 स्थाई भाव हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या इनके प्रकार, यानी कि जो 11 प्रकार मैंने बताए हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कहां पर कौन सा रस पाया जाता है, किन पंक्तियों में कौन सा रस पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस, ठीक है, 11 रसों के प्रकार में सबसे फर्स्ट नंबर बताया था मैंने श्रृंगार रस, ठीक है, यानी कि रसराज, रसराज, ठीक है, इसी को कहा जाता है रसराज, ठीक है। श्रृंगार रस, रस कहां पर होता है, जहां पर नायक तथा नायिका, ठीक है, नायिका का मिलन या वियोग, ठीक है, जहां पर नायिका का मिलन या क्या हो, वियोग हो, ठीक है, विरह मतलब वियोग होना, अलग होना, ठीक है, हो, वहां पर क्या होता है, श्रृंगार रस होता है, वहां पर क्या होता है, श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस होता है। सबसे देखिए संयोग क्या होता है, संयोग जिसे मिलन बोलते हैं, ठीक है, संयोग, ठीक है, संयोग श्रृंगार, ठीक है, संयोग श्रृंगार क्या है, जब नायक नायिका दोनों मिलते हैं, क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है, और जब नायक नायिका वियोग मतलब जो है अलग होते हैं, ठीक है, अलग होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नायक नायिका का अलग होना, नायक, ठीक है, नायिका का अलग होना, ठीक है, अलग होना, ठीक है, नायक नायिका का अलग होना। इनका दोनों का ही जो है स्थाई भाव रति है, ठीक है, रति है, और रति मतलब प्रेम, ठीक है, नायक नायिका का प्रेम, ठीक है, नायक नायिका का प्रेम, ठीक है। श्रृंगार रस हो गया आपका, ठीक है, देखिए श्रृंगार रस किसे कहते, रस किसे कहते हैं, जहां नायक नायिका या तो मिलते हैं या बिछड़ते हैं, ठीक है, या तो मिलने का आभास होता हो या बिछड़ने का, ठीक है, और यहां पर कौन सा रस उत्पन्न होता है, रति, ठीक है, यानी कि प्रेम, ठीक है, प्रेम, ठीक है। जहां पर मिलते हैं संयोग श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार रस के दो दो प्रकार है, संयोग श्रृंगार यानी कि जब मिलते हैं, मिलने का वो होता है उसमें, ठीक है, पता चलता हो, या वियोग मतलब बिछड़ने का, तो यहां पर जो है अलग अलग है, ठीक है। जैसे यहां पर संयोग श्रृंगार में कहत नटत खीजत रिजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन के भरे भवन में करते हैं नैनन ही सब बात, ठीक है, नैनन ही सब बात,
ठीक है, यहां पर मिलने का हो रहा है। ठीक है, जब प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे तो क्या होगा, तो खुशी तो होगी ना, बहुत खुश होते हैं। ठीक है, बहुत खुश होते हैं, क्या है रिज्जत की इज्जत, मतलब जो हंसते बोलते हैं खेलते हैं। लेकिन क्या है, जब वियोग होता है तब बहुत दर्द होता है, जितने खुश यहां पर होते हैं उससे ज्यादा दुखी यहां पर होते हैं। ठीक है, यहां पर होते हैं। जैसे वियोग कब हुआ, जब कृष्ण जी जो है गोपियों को छोड़ के मथुरा चले गए थे। ठीक है, गोकुल से, ठीक है, मथुरा चले गए थे। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, गोपियां जो है विरह में तड़प उठी। ठीक है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार हुआ। ठीक है, जब गोपियां जो है विरह मना रही थी यानी कि विरह में थी, तब उसे क्या बोलेंगे, वियोग श्रृंगार बोलेंगे, और संयोग यानी कि उनके मिलने को। चलिए, ये आए बात समझ में, मधुबन तुम क्यों रहे थारे विरह वियोग श्याम सुंदर के। ठीक है, ठाटे क्यों न जरे। ठीक है, यानी कि विरह में जलने की बात हो रही है। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है कौन सा रस, श्रृंगार रस हो गया आपका, श्रृंगार रस हो गया। अब लिखेंगे हम करुण रस, यानी कि जिसमें दुख उत्पन्न होता है। ठीक है, दुख होता है। देखिए, नंबर दो पे आता करुण रस। ठीक है, नंबर दो पे आता आपका करुण रस। जैसे यहां पर हम किसी प्रिय वस्तु के खोने, टूटने, विनाश होने, ठीक है, पर जो दुख उत्पन्न होता है यानी कि हम शोक में डूब जाते हैं, उसका दुख मनाते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, करुण रस। ठीक है, और वहां पर जो है कौन सा रस उत्पन्न होता है करुण रस के साथ में, कौन सा रस उत्पन्न होता है वहां पर, बताइए जल्दी से, कौन सा रस उत्पन्न होता है आपका, कौन सा रस उत्पन्न होता है। ठीक है, आपको होता है स्थायी शोक। ठीक है, शोक, या लिख लीजिए किसी प्रिय वस्तु, ठीक है, का विनाश। ठीक है, विनाश होना या उसे दुख में होना, यानी कि वह दुखी होगा तो हम भी तो दुखी होंगे। जब किसी से हम, कोई प्रिय वस्तु है, ठीक है, वो टूटती है, फूटती है, विनाश होता है, उसको दुख पहुंचता है, तो हम भी दुखी होते हैं। ठीक है, ठीक है, विनाश, दुख, ठीक है, दुख में देखना उसको, यानी कि दुख में देखना। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, एक स्थायी भाव होगा उत्पन्न। ठीक है, स्थायी भाव उत्पन्न होगा और उस स्थायी भाव क्या होते हैं, शोक। ठीक है, किसी अपनी प्रिय वस्तु को देखकर जो हमारा स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह शोक होता है, और उस रस को, वहां पर रस कौन सा होता है, वहां पर होता है करुण रस। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा। ठीक है, अब सुदामा कौन थे, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, और करुणा निधि रोए। ठीक है, अब देखिए, करके करुणा निधि रोए, यहां पर जो है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की बात हो रही है। ठीक है, जब सुदामा जो है कहां पर पहुंचते हैं, आपके कहां पर पहुंचते हैं, मथुरा पहुंचते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है, जब कृष्ण जी ने जो है सुदामा की दशा देखी, यानी कि अपने दोस्त की दशा देखी, क्योंकि ये घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, और इन्होंने एक साथ ही ऋषि के आश्रम में जो है शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये इनको गुरु भाई भी मानते थे। तो क्या है, यहां पर बहुत दुखी हो गए वो, क्योंकि कृष्ण जी इनसे प्रेम करते थे, क्योंकि वो मित्र थे उनके, और उन्हें दुखी देखकर तो उन्हें वो खुद दुखी हो गए, यानी उनको करुणा में हो गए वो। ठीक है, और वहां पर उनका कौन सा शोक, स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, शोक। वो शोक करने लगे और रोने लगे दिल से। ठीक है, रोने लगे। फिर बात आती है हास्य रस की, जहां पर किसी बात को सुनकर, यानी कि किसी काव्य रचना को सुनकर हमें जो है हंसी आ जाए। ठीक है, जिस काव्य रचना को सुनकर हमें हंसी आ जाए, ठीक है, वहां पर कौन सा रस होता है, हास्य रस। और वहां पर स्थायी भाव कौन सा होगा आपका, हास। ठीक है, हास, स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव। और रस कौन सा होगा, हास्य रस। जैसे खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। या देखिए, मैं फिर बता रहा हूं, जिस काव्य रचना को देखकर जो है या पढ़कर जो है या सुनकर क्या हो, वहां पर जो है हमें हंसी आ जाए। ठीक है, हंसी आ जाए। ठीक है, वहां पर क्या होगा, हास्य रस होगा। और स्थायी भाव क्या होगा, हास, यानी कि जो रस उत्पन्न होगा, जो आनंद आएगा हमें, वो क्या होगा, हास होगा। ठीक है,
और वहां पर कौन सा रस होगा? हास्य रस। नेक्स्ट चलिए देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो की आपकी छोटी हो, ठीक है, इसीलिए मैं जो है बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी जो है वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो और जो है यानी कि गागर में सागर जैसी बात हो जाए, ठीक है, यानी बहुत कम वीडियो में, ठीक है, वरना ये घंटे से जो है ऊपर कूद जाएगी वीडियो। देखिए रोद रस मतलब गुस्सा, ठीक है, रोद करना, तो स्थाई भाव क्या होगा यहाँ पर? स्थाई भाव क्या होगा? क्रोध, ठीक है, कौन सा भाव उत्पन्न होगा? क्रोध, ठीक है, यानी कि जब गुस्से में हम किसी पर जो है लाल पीले हो जाते हैं तो वहां पर कौन सा रस होता है? रोद रस, गुस्से में आ जाना, ठीक है, ठीक है, रोद रस। और स्थाई भाव कौन सा होता है? क्रोध, वहां पर जो स्थाई भाव उत्पन्न होगा वो होगा क्रोध। उस काल मारे क्रोध के, देखिए क्रोध की बात आई है, ठीक है, क्रोध के तन कांपने लगा, यानी कि गुस्से में आ जाना, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर रस होगा रोध और स्थाई भाव क्या होगा आपका? क्रोध, इसमें क्रोध क्या हुआ? स्थाई भाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भयानक रस। भयानक रस यानी कि जब भय की स्थिति उत्पन्न होती हो, ठीक है, जहां पर भय की स्थिति उत्पन्न हो वहां पर कौन सा रस होता है? भयानक रस। और स्थाई भाव क्या होगा? स्थाई भाव होगा आपका भय, ठीक है, भय, स्थाई भाव भय, ठीक है, जिसे हम डर भी बोलते हैं, ठीक है, भय। एक और अजगर लाके, यानी एक तरफ तो अजगर है, दूसरी तरफ मृगराज, ठीक है, दूसरी तरफ मृगराज, बीक बटोही, यानी कि जो पथिक है वो बीच में है, ठीक है, परियो मूर्छा खाए, क्या है वो दोनों से डर कर क्या हुआ कि मूर्छा खाकर गिर पड़ा है, ठीक है, गिर पड़ा है, यानी कि भय उत्पन्न हो गया, ठीक है, वहां यहाँ इसमें कौन सा रस है? इसमें रस है आपका कौन सा? भयानक। और स्थाई भाव क्या है आपका? भय, ठीक है, यानी भय उत्पन्न हो गया उसको, ठीक है, ठीक है, भय उत्पन्न हो गया। फिर आता आपका विभत्स, ठीक है, विभत्स रस, ठीक है। देखिए नंबर 6 आता आपका विभत्स रस, ठीक है, विभत्स रस, जहां पर आपको घृणा उत्पन्न होती हो, ठीक है, यानी कि जिस स्थिति को देखकर आपको घृणा उत्पन्न होती है, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा गंदगी, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो, ठीक है, आपको घृणा उत्पन्न हो गई वहां से, ठीक है, उस स्थान से, ठीक है, जिस काव्य के पढ़ने से आपको अच्छा ना लगे, घृणा होती हो उससे, ठीक है, तो वहां पर क्या है आपका? विभत्स रस होगा। और इसका स्थाई भाव क्या होगा? स्थाई भाव क्या होगा? जुगुप्सा, ठीक है, या इसे बोल सकते हैं घृणा, ठीक है, घृणा, जुगुप्सा या घृणा, ठीक है, स्थाई भाव, ठीक है। जय जहां तह मज्जमास, ठीक है, रुचिर लखी परत वगरे, यानी कहीं पर मांस पड़ा हुआ है, ठीक है, जित छिटके हाड़ सेतु, यानी कि हड्डियों के पुल, सेतु पुल को कहते हैं, और हाड़ हड्डियों के, ठीक है, कहूं रतनारे, यानी कि कहीं पर जो ना खून की नदियां बह रही है, ठीक है, यानी कि बुरा हाल है, कहीं पर जो है गंदगी, मतलब पड़ी गंदे, मतलब नाले चल रहे हैं, ठीक है, गंदगी के, यानी कि एकदम जो है बहुत पूरी स्थिति, ठीक है, आधे को तो सुन के जो है मतलब मन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर आपका विभत्स रस, ठीक है, यहाँ पर जुगुप्सा रस है और घृणा उत्पन्न हो रही है इसे पढ़ने भर रही, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? विभत्स रस। चलिए वीर रस की बात करते हैं, ठीक है, वीर रस की बात करते हैं। देखिए वीर रस कहां पर होता? जिस काव्य को पढ़ने भर से उत्साह उत्पन्न हो, ठीक है, उत्साह, और उत्साह क्या है? इस रस का स्थाई भाव है, स्थाई भाव है, ठीक है, स्थाई भाव, ठीक है, स्थाई भाव क्या है वीर रस का? उत्साह, ठीक है, उत्साह उत्पन्न होता हो, ठीक है, उत्साह उत्पन्न होता है, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ऐसा नहीं है वीर तुम बढ़े चलो, नार लटका के नहीं, तुम उत्साह के साथ में, ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यानी कि यहाँ पर जो है एक उत्साह उत्पन्न होता है इसे पढ़ने के बाद, ठीक है, या जो है बहुत जो वीरता की बात हो रही हो, ठीक है, जिस काव्य में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके? वीर रस होगा, इन पंक्तियों में वीर रस होगा और उत्साह उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमें, ठीक है, इन लाइनों को पढ़कर उत्साह उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, जैसे क्या है कुछ देशभक्ति ऐसे गाने हैं जिनमें उत्साह उत्पन्न होता है, ठीक है,
उत्साह उत्पन्न होता है, ठीक है, उनमें क्या है वीर रस होता है और उत्साह आपका स्थायी भाव हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट अद्भुत रस, ठीक है, अद्भुत मतलब आश्चर्य, ठीक है, जिस काव्य को पढ़कर जो है आपने कभी ना देखा हो ना सुना हो और एकदम से आपको एकदम सामने आ जाए, वो देखो कितना आश्चर्य की बात है, एकदम ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाना, जहां पर आप इस तरह से हो जाओ तो वहां पर कौन सा रस होगा आपका, अद्भुत रस, और उस स्थायी भाव क्या होगा, आश्चर्य, ठीक है, स्थायी भाव आश्चर्य, और एकदम विस्मय हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, वहां पर कौन सा रस होगा, अद्भुत रस, ठीक है, अद्भुत रस। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है, यानी कि राग मतलब कोई गायन वगैरह है या रूप है, ठीक है, रस है मतलब आनंद है या जस है मतलब प्रसिद्धि है, ठीक है, जस मतलब प्रसिद्धि है, क्या है, ठीक है, तो ये जो है एकदम विस्मय आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है, ध्यान रखना जहां पर इस तरह की काव्य की बात हो रही है कि आप आश्चर्यचकित हो जाओ, ठीक है, चमक उत्पन्न होती हो जहां पर एक तरह की, वहां पर क्या होगा आपका, अद्भुत रस होगा, आश्चर्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर बात आती है शांत रस की, इसका स्थायी भाव का निर्वेद या वैराग्य, ठीक है, यहां पर जो है किसी भी भाव की क्या होती है, यानी कि कोई ना तो आपका शांत मतलब वीर रस होगा ना किसी जो है अन्य भावना का वो होगा, ठीक है, बस शांत होगी, ठीक है, कोई करुणा नहीं कुछ नहीं, बस चुपचाप पड़े हैं, ठीक है, वैराग्य उत्पन्न हो गया, ठीक है, बिल्कुल शांत एकदम, तो निर्वेद और वैराग्य, जैसे एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये शांत है बिल्कुल, ठीक है, शांत है, किसी तरह की कोई क्रिया वो नहीं है इसमें, ठीक है, कोई क्रिया वगैरह नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर आता आपका नंबर 10 पे वात्सल्य रस, ठीक है, वात्सल्य रस, जैसे मैया कभी बढ़ेगी चोटी कितनी बार मोहि दूध पीवत, ठीक है, यानी कि जो है यशोदा मैया क्या है कृष्ण जी को दूध पिलाती थी कि बेटा दूध पी ले, ठीक है, दूध पी ले तेरी चोटी बढ़ जाएगी, ठीक है, चोटी बढ़ जाएगी, तो वो कह रहे हैं अपनी मैया से कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, यानी कि यह चोटी मेरी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोहि दूध पीवती भाई, ठीक है, यानी कि मुझे कितनी बार दूध पिलाते हो, और यह अब वह छोटी, यह अभी तक छोटी है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मैया के प्रति जो है बच्चे का प्रेम है, ठीक है, बच्चे का प्रेम है, यानी कि वो पूछ रहा है उससे, ठीक है, मैया से, तो यहां पर वात्सल्य रस होगा, ठीक है, और स्थायी भाव क्या होगा, रति, ठीक है, रति मतलब मां के प्रति, मां के प्रति प्रेम, ठीक है, मां के प्रति प्रेम, ठीक है, मां के प्रति प्रेम। अब आती है भक्ति रस की, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस यहां पर बच्चे की मतलब माँ के प्रति है, ठीक है, या माँ का जो है बच्चे के प्रति है, ठीक है, माँ का बच्चे के प्रति, ठीक है, माँ का बच्चे के प्रति, ठीक है, यहां पर जो है भगवान के प्रति है, ठीक है, ईश्वर के प्रति है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका भक्ति रस होगा, भक्ति रस होगा, ठीक है, कौन सा रस होगा, भक्ति रस होगा, ठीक है, जैसे, और यहां पर जो है स्थायी भाव क्या होगा, स्थायी भाव रति, ठीक है, रति मतलब भगवान के लिए, ठीक है, भगवान के लिए प्रेम, ठीक है, भगवान के लिए प्रेम, यानी कि रति यहां पर स्थायी भाव होगा लेकिन भगवान के प्रति प्रेम, ठीक है, यहां रति शब्द आया है वो भगवान के प्रेम के लिए आया है, ठीक है, भगवान के प्रति प्रेम के लिए, जैसे राम जपू राम जपू राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, ठीक है, यानी कि यह है कि भगवान के प्रति, ठीक है, ईश्वर के प्रति जो है न्योछावर हो जाना, यानी कि अपना जो है सब कुछ भूल कर उसका जाप करना, उसी का नाम लेना, यानी कि उसके प्रेम में डूब जाना, खो जाना, तो ऐसे जहां पर ऐसा हो दिखाई दे, ठीक है, वहां पर भक्ति रस होगा, क्या होगा, भक्ति रस होगा, और आपका जो है यहां पर स्थायी भाव क्या होगा, रति, रति भगवान के प्रति, ठीक है। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे देता हूं यहां पे, देखिए ये क्वेश्चन है आपका,
ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। रति स्थाई भाव है, रति स्थाई भाव है या प्रेम भी बोल सकते हो, यह किस रस का स्थाई भाव नहीं है? संयोग श्रृंगार, भक्ति रस, विभत्स रस, वात्सल्य रस या वियोग श्रृंगार, ठीक है। इसका आंसर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ठीक है, इसका आंसर दें। और आंसर में बस आपको ए बी सी डी ई कोई सा भी ऑप्शन लिख देना, मैं समझ जाऊंगा किसका क्या होगा, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, मेरे कमेंट बॉक्स में दे। चलिए, जय हिंद जय भारत। वैसे वीडियो को मैंने छोटा करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ी सी हो गई है, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, उस पर कमेंट करना, ठीक है। और मेरे चैनल को अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। चलिए।